आइए देखते हैं मजा आएगा। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिखाने वाले हैं फिर से आपको ग्लो एडिटिंग, जो कि आप लोग अपने वीडियो में कैसे दे सकते हो। इस ग्लो को बनाना इतना इजी है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना भाई, तो बहुत दिन तक बोल नहीं पाओगे। तो कैसे बनाना है इसको सारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ग्लो हम जिसमें देने वाले हैं और उसका नेम है कैपकट एप्लीकेशन। अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद भाई, कैपकट को ओपन करने से पहले VPN को कनेक्ट कर लेना, नहीं तो आपका जो कैपकट का इफेक्ट के ऑप्शन में जाओगे तो नो इंटरनेट का प्रॉब्लम आने लगता है, तो इसीलिए आता है। तो सबसे पहले VPN कनेक्ट कर लेना एंड उसके बाद ही आपको कैपकट ओपन करना है, तो ओपन कर लो। तो ओपन करने से पहले जितने भाई लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोहित FF69। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कैपकट को ओपन करो एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो एंड जो भी आपका वीडियो क्लिप है सिंपल यहाँ पे ऐड कर लो। तो समझो कि एक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो क्लिप प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि यहीं रहने वाला है। इसको आप लोग डाउनलोड करके ग्लो भी देना सीख सकते हो, और आप लोग कोई और वीडियो में देना चाहते हो तो उसको यहाँ पे ऐड कर लो। तो ऐड करने के बाद जिस पार्ट से आपको ग्लो स्टार्ट करना है सिंपल उस पार्ट को यहाँ से कट कर लो। तो समझो कि हमको कुछ यहाँ से हमको ग्लो स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे एक स्प्लिट मारेंगे एंड इधर के पार्ट में हमको देना है ग्लो। तो जिधर के पार्ट में आपको ग्लो देना है उसको सेलेक्ट कर लेना एंड नीचे एडजस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। सिंपल यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक करो एंड ब्राइटनेस को कुछ 5 के राउंड कर दो या 8 के। एंड कंट्रास्ट पे क्लिक करो, कंट्रास्ट को 30 के राउंड एंड सेचुरेशन को भी आप लोग को 10 के राउंड कर देना। शार्पन पे क्लिक करना, इसको पूरा ऐसे 100 कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन पे ही रहना है। अब यहाँ पे शार्पन के साइड में आपको दिखेगा HSL, इस पर क्लिक करना एंड देखो जो आपका बंडल है ना, ये लड़की वाला कैरेक्टर इस किस कलर में आपका है। तो मेरा जो है यहाँ पे देख सकते हो कुछ नीला रंग का है, तो इसको हम लोग को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमको ऊपर वाले HU पे क्लिक करके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ब्लू वाले पे क्लिक करना एंड ब्लू को इंक्रीज करके पूरा 100 कर देना। एंड यहाँ पे सेचुरेशन को भी आपको कम कर देना है, थोड़ा सा कम नहीं पूरा 0 रख देना। एंड ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा माइनस कर देना है कुछ 20 के राउंड। एंड फिर नीले वाले कलर पे आना एंड इसको सेचुरेशन को अचीव को ह्यू को पूरा 100 कर देना, ल्यूमिनेंस को इधर भी 100 कर देना एंड यहाँ पे इसको यहाँ पे डन कर देना एंड यहाँ पे ऐसे कर दो। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाले पोजिशन पर आना है जहाँ से ग्लो को स्टार्ट करना है। सिंपल इस पर आना, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना, वीडियो इफेक्ट पर आना एंड थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो वेट कर लेना। एंड यहाँ पर ट्रेंडिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग पे मिलेगा आपको एक लेंस पे सिंपल क्लिक करना एंड एज ग्लो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो एंड डन कर दो भाई। एंड एज ग्लो को स्लाइड करके एंडिंग तक, तो इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले इस वाले वीडियो क्लिप पे क्लिक करना एंड इसके एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, ब्राइटनेस पे क्लिक करो, इसको थोड़ा सा माइनस कर दो कुछ 8 या 10 के राउंड एंड डन कर दो। एंड फिर आपको क्या करना है, वीडियो क्लिप पे क्लिक करो एंड इस बार आपको जाना है फिल्टर पे क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक नाइट सीन्स, तो नाइट सीन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा वार्म नेचुरल, इस पर क्लिक करो फर्स्ट वाले पे। एंड अभी देखो जो आपका ग्लो है एकदम से यहाँ पे 60 कर देना, नीचे से देखो नीचे स्लाइड करके 60 के राउंड आपको कर देना है। एंड यहाँ पे जो है आपका ग्लो जो है एकदम से परफेक्टली लग चुका है। एंड अगर आप लोग चाहते हो ग्लो को और थोड़ा सा इंक्रीज करना तो ग्लो पे जाना, पहले इफेक्ट पे जाना एंड फिर ग्लो वाले पे क्लिक करना, एडजस्ट पे क्लिक करना, ग्लो को ऐसे इंक्रीज कर लेना अपने हिसाब से। तो जैसे कि मैं इतना रख लेता हूँ एंड अभी आप लोग देखोगे तो मेरा जो ग्लो है ना एकदम से कम्प्लीटली हो चुका है। एंड अभी देने वाले हैं शेक इफेक्ट, तो शेक इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले इस वीडियो में जितना भी इमोट चेंज हो रहा है ना सारे को स्प्लिट मार लो। तो हम लोग जैसे कैसे मारना है, तो यहाँ पे देखो एक फर्स्ट इमोट कुछ ऐसा है एंड सेकेंड इमोट कुछ ऐसा है, तो इससे थोड़ा सा पहले आएंगे पहले वाले इमोट पे। सिंपल पहले वाले इमोट पे आपको थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करके
आ जाना एंड नीचे स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, इस पर स्प्लिट कर देना है। ऐसा ही इस वीडियो में जितना भी स्प्लिट होने वाला है ना, जितना भी इमोट चेंज हो रहा है, सारे पे स्प्लिट मार दो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे जूम करना एंड यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ आ जाना जहाँ से सीख देना है। एंड जैसे कि ये नॉर्मल क्लिप है एंड यहाँ पे प्रो क्लिप आ रहा है, तो इस वाले नॉर्मल पे रहेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, वीडियो इफेक्ट पे जाएंगे, ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में से आपको ओपनिंग क्लोजिंग को ऐसे नाइट क्लब पे आ जाना। नाइट क्लब में आने के बाद यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा सिक, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे सिक मिल रहा है, तो सिक वाले पे क्लिक कर दो एंड डन कर दो। एंड इसको लेंथ जो है लेंथ को ऐसे स्लाइड करके थोड़ा सा कम रख दो, एंड इसको भी इधर से कम कर दो, एंड इधर से भी इसको थोड़ा सा कम कर दो। एंड इन एस सिक वाले पे क्लिक करो, एडजस्ट में जाओ, ऐसे इंटेंसिटी को बढ़ा दो, इसको भी स्पीड को बढ़ा दो। एंड इस वीडियो में जितना भी आपने स्प्लिट लगाया है ना, सारे पे इस वाले को एडजस्ट कर देना। तो देखो जैसे कि इस वाले पे क्लिक करना एंड कॉपी करते हैं, एंड फिर जहाँ पे स्प्लिट आए थे उन्हीं के बीच सेंटर में ऐड कर देना। इस वीडियो में जितना भी स्प्लिट आपने लगाया था सारे पे कॉपी करना सेक को, एंड सारे के बीच सेंटर में ऐड कर देना, तो जो आपका सेक जो है वो भी कम्प्लीट हो चुका है। ऐसा ही कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो एक और इफेक्ट देना तो यहाँ पे आ जाना, सिंपल यहाँ पे एकदम आ जाना, यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना, स्टार्टिंग वाले पे आ जाना सेक्शन पे, एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा नाइट क्लब में स्टॉर्ब नाम करके एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, सिंपल इसको क्लिक करना एंड कुछ ऐसे फ्लिकर जैसा आएगा, ब्लैक फ्लिकर देख सकते हो, कुछ ऐसे आएगा, अभी आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा आएगा। आप लोग चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, और इसका लेंथ जो है पूरा एंडिंग तक कर देना, फिलहाल हम तो रख लेते हैं। एंड इसके बाद जो आपका ग्लो है, सीख है, सब कंप्लीट हो चुका है। तो यही था ग्लो एडिटिंग, कैसा लगा आपको आप लोग कमेंट डाउन करके बता देना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए भाई वो भी कमेंट कर दो, क्योंकि टॉपिक तो मिल नहीं रहा है किस पे लाए वीडियो, तो प्लीज़ से टॉपिक सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। तो चलो गाइस, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई को बाय बाय।